हेलो दोस्तों, कैसे हो लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, क्या आपके पास सैमसंग का A34 5G डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास सैमसंग का A34 5G डिवाइस है तो आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम हो रही है, हमारा मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हीट या ओवर हीट होने लगता है। तो गाइस, यहाँ पर क्या आपका भी डिवाइस हीट या ओवर हीट होने लगता है? जी गाइस, अगर आपका डिवाइस हीट, जैसे किसी किसी भाई का सवाल है कि हमारा डिवाइस है गेमिंग करते टाइम हीट हो जाता है, किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा डिवाइस है चार्जिंग करते टाइम हीट हो जाता है, या किसी किसी भाई का सवाल है कैमरा यूज करते टाइम हीट होता है या नॉर्मली टाइम ऑटोमेटिकली हीट हो जाता है, किसी भी कारण आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग्स क्लिक करने वाला हूँ जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर सकते हो और यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो की लेके आते रहते हैं। एंड कैसे, अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे आप कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं? क्योंकि कैसे, यहाँ पर ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन जाती हैं और आपके मोबाइल में रन करती हैं, जिससे आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली हीट या ओवर हीट होने लगता है। एंड कैसे, यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को 24 घंटे ऑन करके रहते हैं, तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। आपका मोबाइल डाटा ऑन होने से आपको पता है आपका मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन हो जाता है और सारे दिन नोटिफिकेशन वगैरह हर टाइम आते रहते हैं, जिससे आपका डिवाइस हीट होने लगता है। एंड कैसे, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल के डाटा को ऑन करके मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हैं, उस कंडीशन में आपका डिवाइस चार्ज ही नहीं होगा, दूसरी बात बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो हमेशा आपको डाटा को ऑफ करके ही मोबाइल को चार्ज पर लगाना है। अब सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि बाई चांस अपडेट आने के बाद हमारा डिवाइस हीट हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पर बताना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है अपडेट के साथ बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है। नेक्स्ट अपडेट में वो क्या करते हैं, बग फिक्स अपडेट को रिलीज करते हैं, जिससे आपके बग हैं वो फिक्स हो जाते हैं। अब सिंपली आपको जाना है नीचे, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन लेगा बैटरी एंड डिवाइस केयर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी एंड डिवाइस केयर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे पहली बात तो बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नीचे आना है, मोर बैटरी सेटिंग पर क्लिक करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग स्पीड दिखाई देगी, वो आपको चेक करनी है हाई है मैक्सिमम है क्या है। अगर ऑप्टिमाइज है तो ऑप्टिमाइज ही रहने देना है, अगर नहीं है तो ऑप्टिमाइज पर लगा देना है। सिंपली आपको जाना है बैक। जैसे बैक आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्टिव बैटरी। तो अगर आपका डिवाइस लगता है कि ओवर चार्ज रहता है, यानी कि ओवर नाइट चार्ज, यानी कि पूरी रात लगा रहता है, या आप ज़्यादातर चार्ज पर लगा के भूल जाते हो मोबाइल को, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट बैटरी पर भी यहाँ पर ऑन कर सकते हो, जिससे आपका डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट नहीं होगा और 85% जैसे ही आपका मोबाइल चार्ज होगा ऑटोमेटिक वो करंट को लेना बंद कर देता है, जिससे आपका मोबाइल हीट या ओवर हीट नहीं होगा चार्जिंग करते टाइम। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप फास्ट चार्जिंग वगैरह को ऑन कर सकते हो, जिससे आपका डिवाइस जल्दी चार्ज होगा। एंड सिंपली आपको जाना है बैक। जैसे कैसे यहाँ पर बैक आओगे, इस यहाँ पर सेटिंग को फॉलो करना है। अब मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा कि आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट क्यों होता है। सबसे पहली बात, जैसे किसी किसी भाई का सवाल होता है गेमिंग करते टाइम हमारा डिवाइस हीट होता है, तो आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, कोई भी हो सकता है, गेम वगैरह, एफ इन्फॉर्मेशन में जाना है। जैसे आप एफ इन्फॉर्मेशन में आओगे, आपको नीचे आना है और स्टोरेज पर क्लिक करना है। इसे आपको क्लियर किचे करना है, क्लियर ऑल डाटा नहीं करना, क्लियर किचे करना है। सिंपली आपको आना है बैक। ऐसे करके आपका कोई कैमरा वगैरह है या कॉलिंग करते टाइम हीट होता है, तो कॉलिंग का एप्लीकेशन है, उस पर आपको इसे क्लियर किचे कर देना सभी को, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा। एंड गाइस, यहाँ पर किसी किसी भाई का सवाल है कि हमारा डिवाइस ऑटोमेटिकली या चार्जिंग करता है हीट होता है, जब भी आप मोबाइल को चार्ज पर लगाते हो आपको रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है और जो भी चीज़ आपने यहाँ से यूज़ की है यहाँ से आपको क्लोज ऑल करके ही मोबाइल को चार्ज पर लगाना है। सबसे पहली बात, क्योंकि ये आपके बैकग्राउंड में खुले रह जाते हैं और रन करते हैं, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट होने लगता है। एंड गाइस, यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ लोग क्या करते हैं अपने मोबाइल की स्टोरेज को काफ़ी ज़्यादा भर लेते हैं, तो आपको हमेशा स्टोरेज को भी खाली से खाली रखना है। सबसे पहली बात, फालतू के फोटो, फालतू के वीडियो, फालतू के एप्लीकेशन आपको डिलीट कर देने। जैसे डिलीट कर दोगे, अब आपको सिंपली जाना गैलरी में, जो चीज़ आपने फोटो वीडियो डिलीट किए हैं आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है, रिसाइकिल बिन पर जाना है। जो चीज़ आपने यहाँ पर डिलीट की होंगी यहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ से भी आपको डिलीट करना है, तभी परमानेंटली डिलीट होंगी और आपकी स्टोरेज क्लीन एंड खाली हो जाएगी। अब आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा स्टोरेज की वजह से, तो आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जब भी आपको लगता है कि मोबाइल को चार्जिंग करते टाइम हीट या ओवर हीट हो रहा है, तो आप एरोप्लेन मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस कंडीशन में आपकी सिम सर्विस भी ऑफ हो जाती है और आपकी चार्जिंग स्पीड भी फास्ट हो जाती है। दूसरी बात, आपका डिवाइस हीट नहीं होता ज़्यादा, तो आप इस चीज़ का भी यूज कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में, बस इतना ही।